तो मैं कह देता हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाओ मुझे, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और भाई बस एक सिप लेते ही गाड़ी में इतना मतलब अजीब सा मुझे झटका सा लगता है, तो मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ। भाई बहुत तगड़ी तरीके से चढ़ जाती है, मतलब मुझे लगता है कि बच्चा कहीं मेरा परेशान ना हो, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो आराम आराम से गाड़ी ले जाता हूँ। बट भाई कार इधर उधर उधर इधर इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझसे कार चल ही नहीं रही थी। हेलो गाइज, मेरा नाम है जिंगवार और आप देख रहे हो ऑटो गेमर 7। तो गाइज इतने दिनों से मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा था उसमें वॉइस अपडेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर कोई बात नहीं है, और अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ और दोबारा से हम आ गए हैं अपने GDFI मिशंस कंप्लीट करने पे। और इस बार मैंने थोड़ा सा ना स्टोरी मोड में कुछ और भी एड ऑन किया है, जस्ट लाइक टेक्नो गेमर जैसा, तो हम थोड़ा उसे अलग करेंगे। उसके में डक्कन बॉस और पता नहीं क्या क्या है, बट अपने में जो माफिया है वो RDX माफिया है। तो फिलहाल अभी तो मैं उससे नहीं मिला हूँ और जल्दी मिलने वाला हूँ, तो मैं आपको उसका फुल मतलब उसका हम फुल एकदम जैसे MCU यूनिवर्स चलाता है ना अपना, एक फुली डिटेल स्टोरी टाइप, हम बिल्कुल वैसे ही चलाने वाले। तो आज का हमारा मिशन तो फिलहाल ये है कि और इस बंदे से यहाँ क्यों फाइट हो रही है। भाई माइकल टेक चरा, इसको खर्चा पानी दे, तो ठीक है उसको तो ठोक दिया। तो भाई आज ना मेरे को लैस्टर ने मिशन दिया है कि भाई माइकल एक कार आने वाली है जो कि जहाज से आने वाली है, पानी वाले जहाज से, तो अगर तुम उसको चोरी कर सकते हो तो वो तुम्हारी होगी और मेरा जो भी शेयर्स होगा वो मेरे को शेयर्स दे देना। तो भाई शेयर्स कुछ नहीं है इसमें, करीबन $3,000 या $5,000 को देने पड़ेंगे लैस्टर को, तो बाकी और कोई सीन नहीं, उस लंगड़े को इतना पैसा चाहिए चाहिए भाई। तो अभी ना मैं सबसे पहले तो इस वेदर को चेंज करता हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों नाइट में ना इतना मज़ा नहीं आता है। तो ये मैंने इसको क्लीन तो कर दिया बट यहाँ से क्लीन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको स्नो वाला फील करता हूँ। देखो भाई क्या शानदार हो गया वेदर, तो मैं इस वेदर को लगा लेता हूँ। तो अभी इधर से चलते हैं हम डायरेक्ट उसके पास। तो हाँ, मेरे में जो RDX वाला मिशन है ना, जो RDX मेन माफिया है उसका नाम मैंने RDX रखा, तो जो वो मेन माफिया है भाई, तो वही इन सब की कठपुतलियों पर चलता है और वही जो है इधर से उधर स्मगलिंग करता है। तो जो उसकी स्मगलिंग्स होती ना, हम उसमें से चोरी करेंगे और उससे भी पंगा लेंगे। फिलहाल अभी नहीं, अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो अभी तो उससे एक साथ पंगा नहीं ले सकता। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है शायद साइड से ज़्यादा चमक पड़ रही है स्नो वाले मोड से, लेकिन दृश्य भी अच्छा है भाई, मतलब पीछे अरे भाई अब तो कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग हो रही है। तो मैं चुपचाप से नॉर्मल मोड ही कर लेता हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं है इतनी हाईलाइट, यही सही है मेरे हिसाब से। और ठीक है, अगर क्वालिटी में कुछ भी आपको लग रहा है तो प्लीज़ को थोड़ा सा हाई क्वालिटी में देख लो, वरना आप मेरे को इसमें कमेंट में कर सकते हो। अगर नॉर्मल क्वालिटी में ठीक चल रहा है तो ठीक है, वरना थोड़ी तो हाई क्वालिटी करनी पड़ेगी। अच्छा ओके, तो अभी मैं पहुंच जाता हूँ उस लोकेशन पे जो कि मुझे लैस्टर ने मेरे फ़ोन पर भेजी थी ईमेल से कि भाई वो लोकेशन पे चले जाओ, कार मिल जाएगी वहाँ पे और उसको रिसीव कर लेना अगर तुम्हारी बात उस ड्राइवर से ठीक से हो जाती है तो। पर बहुत सारा मैटर होता है, तो फिलहाल मैं वो आगे चल के बताता हूँ। और यहाँ पे ओ भाई रास्ता इतनी ज़्यादा ख़राब, मतलब मुझे अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है, मैं पहाड़ी पे चढ़ा दिया ट्रक की जगह। तो ये रही वही, मतलब यहाँ तो हाँ स्मगलिंग टाइप घर भी ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, मैं उस जगह पे आ गया हूँ जो जगह मुझे लैस्टर ने बताई थी, तो अभी मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या सीन है भाई। और ये रहा पीछे पूरा समुद्र, ये है वो सी वाटर। तो यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा है, और लास्ट ने ये भी बोला अगर शाम को नहीं दिखा तो फिर मॉर्निंग में आएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है दूर दूर तक। तो अभी मुझे रुकने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी कार में रुकूँ या फिर घर वापस चला जाऊँ, घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं ना आराम से पहले थोड़ी देर इधर स्मोकिंग करता हूँ, फिर उसके बाद घर निकलता हूँ। तो मैंने कार की तरह खड़ी कर दी, अच्छा हाँ कार मेरी ये रही, ठीक है। तो मैं भी कार में थोड़ी देर यहीं सो लेता हूँ और फिर
नेक्स्ट डे आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है, मैं जब भी उठा तो यहाँ जिमी मुझसे बोला कि डैड मुझे मेरे फ्रेंड के घर तक छोड़ दो। और भाई दिमाग ख़राब होता है तो उसके दो हफ्ते रख देता हूँ, क्योंकि मुझे जानी होती है गाड़ी चोरी करने, और ये पता नहीं कहाँ अपने फ्रेंड के घर छुड़वाने को बोल देता है। तो अमेंडा ने भी बोला था, अमेंडा एक्चुअल में माइकल की वाइफ, तो अमेंडा ने भी बोला था, तो मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ देता हूँ इस हराम खोर को, क्योंकि इसे जाना है वहाँ पर। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ड्रग डीलर से मैच हो गया, तो मुझे लगा चलो मैं इसके फ्रेंड से मिल लेता हूँ। तो माइकल से पूछता कि भाई तेरा दोस्त कहाँ है, तो वही एक बर्गर शॉट एक कैफ़े है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या है, कैसी संगत है। और भाई क्यों, कहीं ना कहीं अपने जो मतलब जो भी है फ्रेंड सर्कल है वो देखता रहना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो इस जिमी के बच्चे का मैं फ्रेंड देखने जा रहा था, जो इसका बताया था इसने रेस्टोरेंट जिसका नाम है बर्गर शॉट। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, और भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब आज तक ये मेरे साथ नहीं गया, और अब ये जा रहा है, मतलब क्यों पता नहीं है। पर चल के देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं इसके बर्गर शॉट के पास, वो सामने राइट हैंड रोड पर है, और भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रोड पर कारें चल रही हैं, मन तो कर रहा है उनको ही मोड़ा दूं। और ये रहा सामने बर्गर शॉट, बर्गर शॉट कैफे। ओ भाई ये नैनो कहाँ खड़ी कर दी। तो आ गया इसका बर्गर शॉट, वेलकम टू बर्गर शॉट। ओ भाई ये बंदा तो मुझे चर्सी लग रहा है, और इसने तो कुछ एक्सचेंज कर लिया। फिर वो बंदा पूछ रहा है ये बंदा कौन है, तो जैमी बताता है कि ये भाई ये वो फादर है मेरे। और वो बंदे को चढ़ी हुई है बहुत तगड़ी, अफीम अफीम लेता है। और भाई यहाँ पे ना जिमी एक ड्रिंक मंगाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ एक नशीला पदार्थ होता है, जो कि जिमी माइकल को पिला देगा, और भाई माइकल पूरा बेहोश हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने ले लिया, और अभी वो जिमी को वापस घर छोड़ने जा रहा है, क्योंकि घर छोड़ने के बाद हमको वो कार लेने जानी थी, जो लेस्टर ने लोकेशन बनाई थी, जो RDX की कार आ रही थी, हमको वो रिसीव करनी थी, और हम वहाँ से उसको गायब करके निकल लेते। बट ऐसा नहीं होता है, मैं नॉर्मली जा रहा था, और जिमी मुझसे पूछता है कि डैड क्या आप ये कॉफ़ी को टेस्ट करना चाहोगे, तो मैं कह देता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं लाओ मुझे, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और भाई बस एक सिप लेते ही गाड़ी में इतना मतलब अजीब सा मुझे झटका सा लगता है, तो मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ। भाई बहुत तगड़ी तरीके से चढ़ जाती है, मतलब मुझे लगता है कि बच्चा कहीं मेरा परेशान ना हो, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो आराम आराम से गाड़ी ले जाता हूँ। बट भाई कार इधर उधर उधर इधर इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझसे कार चल ही नहीं रही थी भाई, अरे बहुत चलाने की कोशिश की बट सीधी नहीं चल रही थी। फिर मुझे लगा कि लाओ साइड में लगा देता हूँ, क्योंकि अब कोई सीन तो है नहीं, भाई जिमी चला नहीं पाएगा, और भाई मैं साइड में लगा देता हूँ गाड़ी। बट यहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा होश रहता है, और यहाँ पे जिमी यार पता नहीं क्यों ऐसा करता है, मुझे कार से निकल के बाहर फेंक देता है, मतलब बीच रास्ते में भाई देख रहे हो, और मतलब मुझे उल्टा सीधा बोलकर कि तुम पागल हो गए हो या तुम साइको हो गए हो, और भाई मुझे बीच रास्ते में फेंक कर वो गाड़ी लेकर मेरे पास से निकल जाता है, और मेरी कोई टांगे पकड़ के खींच रहा है, मुझे पता ही नहीं है, और किसी ने भाई टांगे पकड़ के खींच के अपने को साइड में डाल दिया। और पता नहीं जब मेरी आँख खुली तो अजीब से जानवर थे मेरे चारों तरफ, और वो शायद लंगूरी बंदर थे, मतलब मैं उनको देख रहा था, और वो डांस कर रहे थे चारों तरफ, तो उनको देख के मैं फिर से बेहोश हो गया। और फिर पता नहीं क्या एकदम आंखें बंद हो गई, उसके बाद UFO से एक लाइट आई, भाई UFO कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला, एक लाइट आई और मैं उसके अंदर चला गया, मतलब मुझे होश ही नहीं है, ऐसा बस ड्रीम में मेरे ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने उसको दुखा तो भाई कुछ एलियंस, पता नहीं है एलियंस थे या फिर कुछ अजीब से करेले जैसा मुंह है इनका,
तो भाई ये लोग तो पता नहीं क्या कुछ निकालने में लगे हुए थे माइकल के बॉडी से। और गाइस यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से उनने कुछ ठीक ठाक किया और फेंक दिया। और अजीब सी पता नहीं क्या रंगीन रंगीन सी लाइटें हो गई यार। और बहुत देर तक मैं गिरता रहा। फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं कहीं एक गार्डन में पड़ा हुआ था, और जब मैं उठ कर देखा तो भाई एकदम पलटी सी हो गई। मतलब पूछो ही मत, माइकल की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब थी, और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और भाई उसे अभी भी जिमी याद ही है, और जिमी था हराम खोर है, वो छोड़ के भाग गया। भाई सही से चल ही नहीं पा रहा है माइकल, हैंगओवर इतना तगड़ा हो रखा है इसको, क्या ही बताऊँ, सीधा ही नहीं चल पा रहा ये। और उसने पता नहीं जिमी ने क्या अफीम पिला दी मिलाकर कि माइकल अभी तक हैंगओवर में है। और माइकल को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं घर जाके उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। तो मैं सोच रहा था यहाँ अगर वॉशरूम मिल जाती तो थोड़ा सा फ्रेश होके फटाफट कपड़े भी चेंज कर लेता, बट भाई वो सिर्फ ऑफिस के लिए ही है, मतलब नॉर्मल पर्सन्स के लिए नहीं। तो मैं चुपचाप जाकर एक गाड़ी में बैठ जाता हूँ और सीधे घर निकल लेता हूँ। तो भाई यहाँ तो यही कार खड़ी हुई है, तो इसी में बैठ जाता हूँ चुपचाप, कार भी अच्छी लग रही है। तो अभी मैं इसको लेकर निकलता हूँ सीधे घर पे, और घर भी यहीं सामने ही है, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा हुआ, वरना मैं पता नहीं बगैर कपड़ों के कहाँ कहाँ घूमता रहता। तो ये मैं पहुँच गया घर पे, तो फटाफट से मैं पैक कर देता हूँ। तो भाई घर पे पता नहीं क्यों मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी कार भी यहाँ नहीं है। भाई जैसे मैं एंटर करता हूँ तो पूछता हूँ भी कोई है घर में, कोई नहीं है, बट मेरे को किसी प्रकार कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। ना तो ये रूम लॉक है, ठीक है नहीं खुल रहा, मार के देख लिया मैंने मेरा रूम, इससे पहले जिमी का रूम देखूं, जिमी का रूम अमेंडा, भी। और भाई यहाँ पे अमेंडा भी नहीं है। और भाई मेरे डोर लॉक्स भी थे सभी, मतलब कपड़े भी सब इधर से उधर हैं, क्या सीन है। मतलब ना अमेंडा है, ना जिमी है, ना लिसी है, सब कहाँ भाई, पूरा परिवार गायब है। बंदा बोल रहा है वापस आ रहा हूँ, पर कोई नहीं। और भाई यहाँ तो माइकल, लिखा लेटर है, आई थिंक यू फाइनली लॉस्ट योर और माइंड। जिसमें योर रीसेंट भाई बिहेवियर अमेंडा ने लिख रखा है आई थिंक कि कैन ऑलरेडी हैव यू तुम्हारा जो वेरी दिमाग है कंसर्न्ड। ना वो पूरी तरीके से असंतुलित हो गया है। नाउ यू हैव टेकन टू तो मैं अटैकिंग तो माय जा रही हूँ फेमियन हु वाज अ क्लोज फ्रेंड दूसरे अपने घर एंड पे जिमी सेड यू टुक और ड्रग्स अपनी बट यू आर फैमिली लिविंग को इन योर लेकर। कार। और जिमी ने मुझे बताया कि तुम वी हैव डिसाइडेड टू उसके मूव साथ आउट गए फॉर अ थे, व्हाइल। और उसको घर छोड़ने प्लान्स की वी जगह हैव तुमने इतना ज़्यादा चेंज्ड वी ड्रग्स ले हैव लिया कि चूज्ड अ तुम बिट। एक कोने में आई जाकर नो यू कहीं से आई गिर ऑलवेज गए। एक्ट लाइक आई एम नॉट और मूविंग, भाई बट ऐसा दिस इज कुछ नहीं है, तुम लोगों ने देखा है जिमी आई हराम कैन खोर ने अंडरस्टैंड मेरे को माइकल, आई ड्रिंक पिलाई, एम जस्ट रियली और कंफ्यूज्ड। उसके बाद भाई उसने प्लीज डोंट ट्राई एंड अमेंडा को सब कॉन्टैक्ट गलत अस गलत टू बता ट्राई एंड दिया, गेट योरसेल्फ किल्ड। और अमेंडा मुझे छोड़कर चली गई। तो भाई इससे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अपना माइकल कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सब कुछ छूट है। तो भाई गम का मारा हमारा माइकल बाहर बैठ जाता बेचारा घर के बाहर। तो भाई बहुत देर बाद माइकल को समझ में आती कि ज़िंदगी इस तरीके से तो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो मूव ऑन तो किया जाता है चाहे वो कुछ भी हो। तो ये जो वो $3,000 मेरे अभी कटे हैं भाई, ये वही वाले कटे हैं जो मुझे गाड़ी जो लेनी थी, और मेरे कट गए हैं, मतलब वहाँ पे जो है शिप पहुँच गया होगा। तो अभी मैं फटाफट से, ये रही मेरी कार, मैं अपनी कार ले जाके ना वहाँ पे जो शिप से कार आई है उस कार को ले आता हूँ, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है लेस्टर का जो था वो तो कट गया, ठीक है। लेस्टर ने अपना हिस्सा ले लिया है लोकेशन बता के, अब उसको चोरी करना मेरा काम है। अगर मैंने चोरी नहीं किया तो लेस्टर की बताई हुई जो लोकेशन थी उसका तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लेस्टर ने जो मेरे पैसे काट लिए भाई वो पैसे चले जाएंगे मेरे, मर जाएंगे, क्योंकि उसने तो लोकेशन बताई उसका पैसा ले लिया। तो अभी फटाफट मैं जाता हूँ उस लोकेशन पर। और भाई क्या एक्सीडेंट था, मतलब मैं कार के बाहर। तो अभी चुपचाप उसको जाने दो, क्योंकि अभी उसे पंगा लेने का टाइम नहीं है। मेरे $3,000 ऑलरेडी कट गए हैं, ऊपर से अमेंडा घर से चली गई है, और अमेंडा जाने का कोई गम नहीं है क्योंकि मैं दूसरी बंदी लेकर आने वाला हूँ। क्योंकि अमेंडा मुझे एक गलत गलत बोले तो एक गलत डिसीज़न पर छोड़ कर गई है, और मैं इसको लेकर बिल्कुल भी पछताने वाला नहीं हूँ।
तो मैं भाई अभी सबसे पहले हम चलते हैं उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन को लेस्टर ने दिया था। तो लोकेशन कहाँ गई भाई? लोकेशन नहीं, इधर से नहीं है, इधर से नहीं। और ये कार बहुत प्यारी है यार, येलो कलर की। तो मैं ना इसको यहीं छोड़ता हूँ। और भाई यहाँ ट्रेसी का कॉल आ जाता है और ट्रेसी से नॉर्मल बात कर लेता है। और ट्रेसी भी बस यही बोलती है कि तुमको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए था, वो गलत है ऐसा वैसा। और मतलब तुमने इतना ड्रग्स लिया, मॉम अमेंडा को भी बुरा लगा और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और प्लीज़ फैमिली को जल्दी से जोड़ो। तो भाई ये डॉग पता नहीं क्यों आगे खड़ा हो गया था। तो मैंने तो उसको खर्चा पानी दे दिया, गाड़ी चढ़ाई दी ऊपर, अब किसी गाड़ी के आगे खड़ा नहीं होगा। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले लोकेशन पे। भाई ये येलो कलर एकदम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम यूनिक सा लग रहा है। तो और मेरे आई थिंक जब मैं वहाँ से आया हूँ अपने हाउस से, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा रास्ता लग रहा है। बट ठीक है भाई, एक अच्छी कार के लिए तो ये सब करना पड़ेगा। कोई और भाई कौन था जो रास्ते में आया इतने तेज़ी से आकर चला गया? तो ये रही वो लोकेशन, फिर से मैं पहुंच चुका हूँ उसी लोकेशन पे। और भाई कुछ शिप्स तो खड़ी हुई हैं छोटी छोटी, पर छोटी शिप्स नहीं, क्योंकि जहाँ जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो एक बड़ी शिप में आई होगी। तो उधर से जाना सही नहीं है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ जिस तरफ रियल में होता है। और भाई इधर मुझे लग रहा है हाउस पार्टी चल रही है, आई थिंक ये ओपन हो, बट पता नहीं क्यों लग नहीं रहा है। और हाँ ठीक हूँ मैं, ये दरवाज़ा क्लोज है। तो इधर तो अच्छा ठीक है सेलिंग के लिए। और भाई ऊपर तो मुझे लग रहा पार्टी वार्टी चल रही है, तो ठीक है शायद इधर से जाने का कुछ रास्ता हो। तो मैं इधर से जंप लगा के जाने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई इतना बुरी तरीके से लगाया ना सर इसका, आधी से ज़्यादा पावर इसकी चली गई है। फिलहाल कोई बात नहीं, तो इधर से जीना नहीं है कोई भी ऊपर जाने का। और लोग पता नहीं किधर से गए हैं जो ऊपर जाके पार्टी कर रहे हैं। चलो खैर मैं उनकी पार्टी नहीं देखने आया हूँ, मैं अपनी कार लेने आया हूँ जो कि लेस्टर के बताए हुए प्लान के मुताबिक यही होनी चाहिए। और मैं काफ़ी घूम लिया और मुझे यहाँ पे अभी तक कोई जहाज़ नज़र नहीं आ रहा है। अभी शायद अब आने वाला, क्योंकि लाइट हाउस से एक सायरन सी आवाज़ आई है। ठीक है तो मैं देख रहा था इधर उधर, तो ये रहा, अरे आ गया। ठीक है, और ये कंटेनर नहीं पूरा ट्रक लेकर आ रहा है वो। तो भाई ये तो ऑलरेडी माफिया का है, तो स्मगलिंग वाला है। तो इससे कह देता हूँ फटाफट भाई इधर उतार दे। ठीक है, इसने मुझे देख लिया है और अभी यहाँ से इसने उतार दिया है ट्रक, इस साइड में लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं फटाफट ट्रक में जाके देख लेता हूँ कि कार, और अरे भाई बहुत तगड़ा लॉक है भाई, इनने दो दो तो पीछे वो खड़े कर रखे हैं। और इस बंदे से पता नहीं क्या हो गया, मतलब नॉर्मल जा रहा था और भाई ये तो फालतू में गुस्सा हो गया और भाई एकदम नाराज़ हो गया। तब तक भाई मैं उससे बात करने को उससे करने लगा, इतने में भाई पता नहीं कोई सिक्योरिटी चेक वाले भी आ गए, हेलीकॉप्टर लगे, तो वो तो खड़े करके अपना निकल गए, सिक्योरिटी वोटी सब चेक कर कर आगे। पर इसका बंदा मुझे नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने दो तीन मुक्के मार दी कोई बंदा बंदा आ जाए। तो एक बंदा अरे आ ही जाता है, पर मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई इतना एटीट्यूड वाला बंदा है, फ़ोन पे ही लगा पड़ा, पूरे टाइम बात ही नहीं करी। एक बार कॉल उठाया फिर कट कर दिया, मुझे लगा चलो अब बात करेगा। फिर साले ने फ़ोन रखा फिर उठा लिया, भाई दिमाग ख़राब हो गया। फिर तो उसके पीछे ही पड़ना था, फिर थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो मैं से पूछता हूँ कि ये मेरे को ट्रक में जो गाड़ी है वो मेरे को चाहिए, तो कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, ये तुम्हारी है। बोलता मेरे पास पेपर है, वो नहीं मानता। तो भाई मुझे लगता है इसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा, बट वो डरता नहीं है, तो मुझे दो शूट्स करने ही पड़ते हैं क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ पर नहीं टूटता है, और मैं इस पर रॉकेट लॉन्चर नहीं चला सकता, इसीलिए मैंने इसको सीधे चाबी उसकी जेब से निकाली और इसे खोल लिया। और भाई ये सुपर कार उसके अंदर निकली, मतलब ये कार देख रहे हो, ये कार नहीं पूरा जहर है, जहर जो कि अब मैं जो भी मिशन प्ले करूँगा भाई वो इसी से कम्प्लीट करूँगा।
चाहे वो कोई सा भी मिशन हो, ठीक है, डक्कन बॉस से लेके अपने आरडीएक्स बॉक्स तक जितने भी बॉस है उन सभी के पास। और भाई आरडीएक्स बॉक्स की तो ये कार एक्चुअल में है भी, बट उन्हें पता नहीं है, पर ठीक है, शायद उनके पास फ़ोटोज़ आ गए हों। शायद मैं अभी नहीं लेके जाऊँगा उनके पास, काफ़ी टाइम बाद लेके जाऊँगा, ठीक है, तो अभी का तो कोई सीन है नहीं। तो सबसे पहले भाई अब कार मिल गई, अमेंडा छोड़ के चली गई है, तो अब कार के बाद चाहिए लड़की, जो कि अपने घर में साफ़ सफाई कौन करेगा भाई। बंदी और लड़की और जो वो थी मेड वेड वो सब चली गई है, और माइकल अकेला थोड़ी ना रहेगा यार घर में, इतना हैंडसम माइकल है। तो माइकल सोचता है कि अब इतना जब सब कुछ हो ही गया है, अमेंडा घर छोड़ के चली गई है, अब अमेंडा को कहाँ ढूंढूँ, तो सबसे पहले मैं घर में एक कोई लड़की की रिक्वायरमेंट है तो उससे कर लेते हैं। और तो निकल पड़ता है हमारा माइकल गर्लफ्रेंड बनाने की ओर। और भाई वो तेरी मतलब इसमें तो सुपर पावर वाला हाइड्रोजन वाला सिलेंडर भी लगा हुआ है, जो कि हॉर्न बजाने पर भाई इतना स्पीडली कार को एक्सेलेरेट कर रहा है, बहुत तगड़ा है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। फोर सिलेंडर्स हैं, मतलब फोर साइलेंसर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी साउंड के साथ उसको बार बार ड्रिप कर रहे हैं। और सही है, मतलब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब जितने डॉलर्स गए हैं ना, मतलब $3,000 अगर लेस्टर ने बताने के लिए, तो ये गाड़ी भी आराम से $1,00,000 की है। तो ठीक है, ये सुपर कार को हम ले चलते हैं अपने घर की ओर, और घर की ओर से पहले मैं ले चलता हूँ इसे गोल्फ कोर्ट की ओर, क्योंकि उस तरफ कुछ ऐसी लेडीज़ घूमती रहती हैं जिनको नए बॉयफ्रेंड की तलाश रहती है, और हमको भी नई गर्लफ्रेंड की तलाश है। तो हम फाइनली इस रिच कॉलोनी में आ गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच लोग रहते हैं जिनके पास अरबों खरबों डॉलर्स रहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ना इसको कोई अच्छी सी जगह गाड़ी को रोकते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन फ्री है, किससे बात हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा वो, और भाई सामने बिल्डिंग देखो कितनी मस्त है एकदम, तो मैं यही साइड में लगा लेता हूँ कार को, और ठीक है ये जगह। और भाई इसका तो मतलब बहुत शानदार घर है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ, कोई इस पागल को चोरी ना कर ले, कोई भी पगले वगले आके चोरी कर लेते एक तो। तो भाई इधर तो कोई बंदी नज़र ही नहीं आ रही, सारे बंदे ही बंदे नज़र आ रहे हैं। वही पेड़ बहुत शानदार लग रहा था डबल जोड़ी के साथ, तो एकदम मैं काफ़ी देर वेट हो गया, बट कोई भी, और ये पता नहीं किसी लड़की की आवाज़ आई। तो भाई ये देखो आप भाई, ये बंदी ये राइफल, ओ माय गॉड भाई, तो स्नाइपर लेके खड़ी है, मतलब अपनी गैंग की है ये तो, इसे तो अपने ही साथ बनता है। और भाई मैं इसे काफ़ी बात करने की कोशिश करता हूँ पर ये सस्ती नहीं, तो मुझे भी इसको दिखानी पड़ती है अपने पास कि मेरे पास भी देखो तुम्हारे जैसे स्नाइपर है, अब तो समझो बात को। लेकिन भाई बंदी एक सेकेंड भी सुनने को तैयार नहीं, और ये मेरी गाड़ी का हॉर्न कौन बजा रहा है, कोई मेरी गाड़ी तो नहीं चुरा लिया, नहीं मेरी गाड़ी तो वहीं खड़ी हुई है। तो मैं ऐसे काफ़ी देर तक बात करता रहा कि हाँ ठीक है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये बहुत देर बाद समझती है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, और भाई तुझे कार बार भी दिखाता हूँ, अपनी स्पोर्ट कार है मेरी, तो वह समझ जाती है। और भाई इसका नाम है विक्टोरिया, तो हम विक्टोरिया को लेके चलने वाले हैं माइकल के घर पे, और अब से विक्टोरिया ही रहेगी। तो मैं विक्टोरिया को अपना पूरे घर का जो है हाउस टूर करने वाला हूँ। और भाई इस बंदे ने क्या भाई, तो विक्टोरिया को टक्कर वक्कर मार दी क्या? अरे मतलब गाड़ी कहाँ ले जा रहा है हमारी विक्टोरिया को देखकर? माना कि वो चाइनीज सी है, लेकिन तुम तो गाड़ी कहीं पे भी चढ़ा दोगे क्या? तो ठीक है, मैं आप विक्टोरिया को लेकर जा रहा हूँ अपने घर पे, जो कि जे चचा कहाँ बीच में डाल दिए गाड़ी भाई, मतलब विक्टोरिया के सामने बेइज्जती करा दो, वैसे भी इतनी मुश्किल से तो मानी है उसे, मुझे अपनी स्नाइपर दिखानी पड़ी, घर दिखाना पड़ रहा, मतलब घर बताया कि घर नहीं भाई बहुत बड़ा बिल्ला है, कार दिखाई है तब जाके बंदी मानी है। आजकल लड़कियां ऐसी हो गई हैं भाई, पैसा ही देख के मानती हैं। तो ठीक है, मैं उसको ले आया हूँ अपने घर पे, जो कि है विक्टोरिया को मैं ना डायरेक्ट अंदर ही लेकर जाता हूँ,
और माइकल यहाँ पूछता है कि कोई घर में आया वापस, बट ऐसा कोई आवाज़ नहीं आती। तो विक्टोरिया समझ जाती है कि भाई माइकल भी अकेला है पूरा। और भाई विक्टोरिया की मासूमियत अभी देखना ना, मतलब एकदम ठाए वाली मासूमियत है भाई। तो मैं विक्टोरिया को सबसे पहले किचन दिखा देता हूँ ताकि सुबह उठूँ तो भाई नाश्ता पानी अपने को तैयार मिले। और विक्टोरिया इस बात को सब समझ जाती है, हाँ ठीक है मुझे पसंद। और भाई विक्टोरिया का फेस देखो तो कातिल वाला है। तो मैं विक्टोरिया का बता देता हूँ, देखो भाई ये अपना लिविंग रूम और यहाँ पे मस्त मैं टीवी देखता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ और ड्रिंक भी करता हूँ। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से एतराज़ है तो प्लीज़ तुम बेडरूम में रह सकती हो, जिमी रूम में रह सकती हो, ट्रेसी के रूम में रह सकती हो, या फिर बाहर गार्डन में भी घूम सकती हो, पर मेरे को स्मोकिंग और ड्रिंक करने के बीच में कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। और मस्त एकदम सुट्टा पीता हुआ भाई हमारा माइकल उसको समझा देता अच्छी तरीके से और बोल देता है कि एक बार अगर स्मोकिंग करूँगा तो 3-4 बार तो भाई उसका स्मोक जो है अच्छी तरीके से लूँगा ही लूँगा, और तुम इन बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकोगी। तो भाई बंदी समझ जाती है कि ठीक है मैं क्यों ही टोकूँगी, मुझे बस पैसा मिलता रहे। माइकल भी समझ जाता है, ठीक है तुमको पैसा मिलता रहे, पैसे की कमी नहीं है, अभी आ जाओ ऊपर के रूम्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये रहा सामने, और ये पता नहीं क्या अमेंडा इसको लॉक करके गई है, जो कि पता नहीं चाबी शायद उसी के पास होगी। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेसी का रूम दिखाता हूँ, तो ये रूम देखने बिल्कुल अंदर ही आ जाती है। और मैं इसको शीशे में बता रहा होता हूँ कि ठीक है ये देखो ट्रेसी का रूम है, तुम चाहो तो इस रूम को यूज़ कर सकती हो। फिर ये बोलती कि नहीं मैं किसी और के रूम को यूज़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो मैगी बोलते ठीक है फिर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने लड़के का भी रूम दिखा देता हूँ। इस हरामखोर का रूम तो गंदा ही पड़ा हुआ रहता है हमेसा, पेटी वेटी एकदम पाहियात सी, और ये देखो पिज़्ज़ा बॉक्स भी बेड पे पड़ा हुआ है, तो रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो वो भी इधर आने लगती है, तो मैं मना कर देता हूँ उसे कि अरे तुम मत आओ इधर, रूम बहुत ज़्यादा गंदा है, पता नहीं क्या पैर में तुम्हारे कहीं पिज़्ज़ा ही ना चिपक जाए। तो अभी रूम से बाहर चलते और आ जाओ, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ अपना बेडरूम। तो भाई विक्टोरिया भी रेडी हो जाती बेडरूम देखने के लिए, क्योंकि बेडरूम जो है ना वो भी थोड़ा सा गंदा, एक मैगजीन नीचे पड़ी हुई है, बाकी तो ऑल क्लीन है। और विक्टोरिया भी बोल रही है कि ये मैगजीन नीचे क्यों पड़ी हुई है, और मैंने उसको बता दिया कि ये मेरी रॉल है, यहाँ से तुम अपने लिए भी कपड़े चेंज कर सकती हो। एक्चुअल में तुम्हारे तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें अमेंडा के कपड़े हैं तो उसमें चेंज कर सकती हो। तो विक्टोरिया को ठीक है समझ में आ जाता है, और फिर वो ये सब बोल के बोल देता है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं इसके साथ और आगे नेक्स्ट जो है स्टोरी मोड स्टार्ट रखने वाला हूँ। ये देखो अब नेक्स्ट डे हो गया, तो यहाँ पे दोबारा से हमारी जो विक्टोरिया है वो साथ ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।